मुझे टाइम मिले तब मैं इनके क्या है कैसे हो आप सब। एक्चुअली ये महाराज मुझे आज कुछ काम नहीं करने दे रहे हैं। घर साफ करना है, घर कह रही हूँ, रूम साफ करना है, कपड़े धोने हैं, किचन साफ करना है, किचन में बर्तन डले हैं, रोटी बनाना है, दाल बन चुकी है और इन्हें गोदी से ही उतरना है। क्योंकि यार मम्मी भी नीचे कपड़े हो गए थे तो मम्मी कपड़े धो रही हैं और मुझे भी काम करना है बट ये करने नहीं दे रहा। काशवी को मैं उसकी छोटी दादी के पास छोड़ के आई हूँ, वो उधर है। क्या क्या हो गया, इधर आओ, आइए। ये काम करने नहीं दे रहा तो मैं सोची मैं वीडियो ही बना लेती हूँ, क्या करूँ खाली बैठ के, कुछ तो करूँ। कपड़े डाले, रूम देखो पूरा ऐसे दुखरा पड़ा है, क्या हो गया। समझ में नहीं आता कभी कभी, बिना फालतू में रोते हैं। सो अभी ना मैंने दोनों को नीचे भेज दिया है, मैं सोच फोन आ रहा है, तो अभी दोनों को नीचे भेज दिया है मैंने। मैं सोच रही हूँ जब तक मैं रूम सही कर लेती हूँ जल्दी से, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करती हूँ। सो अभी मैं इन लोगों को लेके नीचे आ गई हूँ क्योंकि ऊपर ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, मतलब इधर उधर भाग रहे थे, बहुत रिस्की है। हमारा जो मतलब जाल भी लगा है तो वहाँ पे भी डर है और वो मतलब छत के वो साइड ना पूरा खुला हुआ है तो वो उधर साइड भी डर लगता है, मतलब झाँकते हैं ना बच्चे, अब बच्चे छोटे हैं तो इसीलिए। तो बाकी कुछ डब्बे तो मैंने मम्मी के धुलवा दिए थे, मम्मी के क्या हमारे ही हुए। मतलब बेचारी मम्मी अकेले कर रही थी ना तो मैंने सोचा जब तक ये लोग थोड़ा खेल रहे हैं तब तक मैं थोड़े डब्बे धुलवा देती हूँ। फिर अभी थोड़े बहुत रह गए हैं, ज़्यादा नहीं रह गए, तो वो मम्मी धो रही हैं। मैं दोनों को लेके नीचे आ गई क्योंकि धुले धुलाए डब्बे फेंक रहे थे ये लोग, इसीलिए हाँ काम बढ़ा रहे थे ऊपर। मैं सोचूं दोनों अभी सो जाएं तो किचन भी मैं जल्दी जल्दी करवा लूं मम्मी के साथ। किचन बहुत गंदी हो रही है हमारी क्योंकि ना ये दोनों की वजह से मैं भी किचन अकेले साफ नहीं कर सकती, तो इसीलिए मुझे, तो मैंने मम्मी से बोला मम्मी किचन साफ करवा लो, बहुत ज्यादा गंदी हो रही है। अब किचन के लिए मतलब कुछ भी काम हो ये दोनों कोई देखेगा तभी मैं कर पाती हूँ, अदरवाइज मैं बिल्कुल भी काम मतलब प्रॉपर तरीके से साफ सफाई से कर ही नहीं पाती, चाहे वो मेरा रूम का हो या फिर मतलब मेरे कुछ पर्सनल काम हो। क्या एप्पल, एप्पल एप्पल नहीं बोल पाती, एप्पल मम्मा एप्पल, पहले चप्पल बोल देती एप्पल को, एप्पल दे एप्पल दे दूं, ठीक है। पापा दे, क्या कर रही हो, कंगी कर रहे हो, कंगी मम्मा पापा, मम्मा पापा तुम्हारे सर में बाल है, यस इतने तो हैं बाल, इसका ना टकलू हमें कराना था बट इसका टकलू हो ही नहीं पाया, मुंडन तो हो गया दो बार इसके, मतलब हमने टकलू करवा चुके बट अभी सर्दियां भी है ना, डायरेक्ट ठंड मतलब सर पे बैठेगी और ये लोग टोपा भी नहीं लगाते हैं बच्चे, तो इस वजह से अभी थोड़ा मतलब इसका वो क्या बोलते हैं बाल नहीं कटवा रहे, अब थोड़ी सर्दी कम हो जाए फेब्रुवरी के लास्ट में तब इसका हम टकलू करवा देंगे। टकलू हो जाएगा तो पूरे ठंड सर में बैठेगी ना, इसीलिए मम्मा, हाँ चप्पल।
और मैं पता है इसलिए इन लोगों को ना इतनी मतलब सर्दियों से बचा के रख रही हूँ, मतलब एक ना महुआ का तेल आता है वो इतना गर्म होता है, तो मैं दोनों को सुबह शाम जब भी मुझे टाइम मिले तब मैं इनके क्या है क्या कर रहे हो इधर ही रखे रहने दो रियांश ना। मैं दोनों को लेके नीचे आ गई क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, मतलब कुछ डब्बे मैंने धुलवा दिए थे मम्मी के साथ, ये लोग खेल रहे थे वो बाहर साइड। गिर जाओगी इधर बैठो। अच्छी है।